हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। देखिए, अगर आप भी अपने फोन को अक्सर साइलेंट मोड पर नहीं रखते हैं तो देखिए अब से आदत डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके फोन की रिंगटोन जो है अब आपको फंसा सकती है, और खासकर जब आप किसी अदालत में हो। दरअसल गुजरात के अंदर अब अगर आप अदालत में जाते हैं तो वहां पर आपको फोन साइलेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फोन साइलेंट नहीं किया तो आपकी खैर नहीं जाने कैसे। गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान बुजुर्ग की मोबाइल की घंटी बजी तो चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले हर किसी को कोर्ट के डेकोरम का पालन करना होगा। इसके बाद अब गुजरात हाई कोर्ट ने मोबाइल फोन की घंटी बजने पर उसके लिए जुर्माना भी घोषित कर दिया है। ये जुर्माना कुछ इस तरह से है कि अगर आपके फोन की घंटी पहली बार बजी तो 100 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा, दूसरी बार बजती है तो 500 रुपए का जुर्माना, और तीसरी बार अगर बजती है तो 1000 रुपए का जुर्माना तक देना होगा। यही नहीं बल्कि तीनों ही गलतियों पर शाम 5 बजे जब तक कि कोर्ट बंद नहीं होता तब तक फोन को कोर्ट में जमा भी करवाना होगा। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एजे शास्त्री की कोर्ट में एक घटना हुई थी। दरअसल एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के अंदर हाजिर एक वृद्ध याचिकाकर्ता के फोन की घंटी बजने लगी, जिसके बाद कोर्ट में वकील की ओर से दलील पेश की गई कि वृद्ध कोर्ट केस के चलते मानसिक तौर पर काफी परेशान है। यही वजह है कि कोर्ट में आने से पहले वो अपने फोन को साइलेंट पर डालना भूल गए थे। वो कोर्ट में अपनी गुमशुदा बेटी के लिए हेबियस कॉर्पस फाइल करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जैसे ही मोबाइल की घंटी बजी तो वृद्ध कोर्ट रूम से बाहर चले गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट के डेकोरम का पालन करने को कहा। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या आपने कोर्ट रूम के नोटिस बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। साथ ही कोर्ट ने मोबाइल की घंटी बजने पर 100 रुपए का जुर्माना देने का आदेश भी जारी कर दिया। कोर्ट ने बाद में इस बात पर रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वो इसके लिए सख्त नियम बनाए ताकि दोबारा इस तरह की गलती ना हो। वेल, अगर आप भी किसी ऐसी जगह पर मौजूद हो जहां पर आप पब्लिक प्लेस पर आपके फोन की रिंगटोन लोगों का ध्यान भटका सकती है, तो ऐसे में उचित रहेगा कि आप भी अपने फोन को जो है साइलेंट मोड पर जरूर रखें। लेकिन अगर आप गुजरात में मौजूद हैं और खासकर वहां के कोर्ट में, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। वेल, इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।